हाय हेलो सत श्री अकाल माय ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ शिल्पा सूरी और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी हैवी हेयर ऑयलिंग की वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो को एंड तक देखें, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑयलिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर कोकोनट हेयर ऑयल लिया है और अब मैं इसे अपने बालों पर अप्लाई कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसे अपने स्कैल्प पर लगाया है, थोड़ा थोड़ा करके, पार्टीशन बालों की कर करके थोड़ा थोड़ा। फिर मैंने ऑयल लगाया है, ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है। सबसे पहले मैं अपने स्कैल्प पर इसे अच्छी तरह से लगा रही हूँ और अपने हैंड पर अब लेके धीरे धीरे से मसाज करूंगी अपने बालों पर। अपनी लेंथ पर भी साथ साथ में थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा रही हूँ। एक साथ बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा ऑयल लेकर थोड़ी धीरे धीरे अपने सॉफ्ट हैंड से मसाज करके हमें ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग का मतलब ये नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा ऑयल लेना है और बहुत ज़ोर ज़ोर से मसाज करके ऑयलिंग कर लेनी है, नहीं फ्रेंड्स, हमें ऑयलिंग बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से करनी चाहिए। और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लीजिए, साथ साथ में थोड़ी थोड़ी मसाज करते रहिए बालों पर। अपनी लेंथ पर भी साथ साथ में मैं ऑयल लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, ऑयलिंग करनी बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, चाहे समर हो चाहे विंटर हो। हफ्ते में एक बार ऑयलिंग ज़रूर कीजिए, इससे आपके बाल हेल्थी रहेंगे, आपके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होगी, हेयर फॉल की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आजकल हर कोई हेयर फॉल की प्रॉब्लम से परेशान है, तो उसका कारण यही है कि हम अपने बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई रखते हैं। अपने बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई रखने की वजह से ही हमारे बाल झड़ते हैं, हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, हमारे बाल बहुत जल्दी आजकल वाइट, बहुत छोटे छोटे बच्चों के बाल वाइट होने लग गए हैं। उसका कारण भी यही है कि हमारे जो बाल हैं उन्हें अच्छी एक डाइट नहीं मिलती है। तो इसीलिए हमें ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए। सैटरडे नाइट आप ऑयलिंग कीजिए, आप हफ्ते में दो बार जब भी आपको हेयर वॉश करना है, हेयर वॉश करने से पहले ऑयलिंग कीजिए, इससे आपके बाल हेल्थी रहेंगे। इंसान की पर्सनैलिटी ही बालों से होती हैं। अगर उसके बाल स्ट्रॉन्ग हेल्दी नहीं होंगे तो उसकी पर्सनैलिटी है जो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। इसीलिए अपने बालों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। धीरे धीरे से साथ साथ में मसाज कीजिए बालों से, इससे जो हमारे बालों की ग्रोथ है वो डबल ग्रोथ होगी। ऑयलिंग करने से हमारे बाल बहुत जल्दी से बढ़ेंगे, हमारे बाल हेल्दी होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, घने होंगे। तो मैंने अब ऑयलिंग की है, तो सुबह इसे मैं एज इट इज़ ही रात को ऐसे ही छोड़ दूंगी और सुबह अपना हेयर वॉश कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से मैं अपने बालों पर मसाज कर रही हूँ, अपनी फिंगर्स की हेल्प से मैं अच्छी तरह से मसाज कर रही हूँ। मैं अपने बालों पर ज़्यादातर खुद ही ऑयलिंग करती हूँ। सैटरडे नाइट या फिर जब भी मुझे हेयर वॉश करना होता है, मैं अपने बालों पर खुद ही ऑयलिंग करती हूँ। नेचुरली मेरे बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, सिल्की हैं। तो ये देखिए, अब मैंने और ऑयल लिया है और अब मैंने अपने फेस पर भी ऑयल डाला है। तो इसी तरह से मैं अपनी हेयर ऑयलिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।